Good morning, class. This is our new genetics class in which today we will study about the new topic of our genetic, that is infertility. Infertility बहुत ही एक ऐसा ज्वलंत सा टॉपिक है जो पूरी दुनिया के अंदर कपल्स, मेजॉरिटी ऑफ कपल्स के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हालांकि ये जो टॉपिक है इसे आप पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मैंने सीमेन एनालिसिस के अंदर आपको ये पढ़ाया है इनफर्टिलिटी। इसके अलावा आप लोग फोर्थ में जब ऑप्स गायनिक आएगा तब वहाँ पर भी ये टॉपिक आपका आएगा, और ये जेनेटिक से भी कंसर्न रख रहा होता है इसलिए हम इसको जेनेटिक के अंदर भी पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी देखिए क्या होता है, इनफर्टिलिटी के अंदर हम पहले तो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। दूसरा, इनफर्टिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा सोशल मेडिकल सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो कपल्स को पूरी दुनिया के अंदर अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, कंसीव करने में इनेबल्ड जो लोग होते हैं रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी, मतलब अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव फ्री मेटिंग का प्रोसेस अगर चल रहा है कपल्स के बीच में रेगुलर, उसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। WHO ने इसकी डेफिनेशन ये दी थी कि अगर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव फ्री इंटरकोर्स के बावजूद अगर कपल्स जो बिलो 35 ईयर्स एज के हैं वो अगर विद इन 1 ईयर अगर कंसीव नहीं कर पाते तो उनको इनफर्टाइल माना जाता है, या फिर कपल्स अगर 35 ईयर्स के अबाव हैं और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव फ्री इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं उसके बावजूद अगर विद इन 6 मंथ्स वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो इनफर्टाइल माने जाते हैं। इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस पूरी दुनिया में 15% पाया जाता है। हालांकि ये डिफरेंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होता है। अब इसके कुछ कॉजेज़ तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, कुछ डिटेक्ट कर पाए भी हैं और ट्रीट भी कर पाए हैं। अब इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन जो इनफर्टिलिटी है जिसके बारे में हम नहीं बता पाते हैं, उसमें सभी केसेस के 10% ऐसी इनफर्टिलिटी है जो कि अनएक्सप्लेन है। मेयो क्लिनिक USA ने बताया कि 20% केसेस जो है इनफर्टिलिटी के वो मैन की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, जबकि 40-50% केसेस वुमेन की वजह से होते हैं और 30% केसेस जो है वो मैन और वुमेन दोनों की वजह से होते हैं। इंडिया के अंदर 15-20% कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं आज की डेट में। इनफर्टिलिटी जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई यहाँ पे दी हुई है कि फेलियर टू अचीव बर्थ एवर अ 12 मंथ्स पीरियड ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, 12 महीने यानी 1 साल तक अगर 35 साल से बिलो के कपल्स हैं और वो कॉन्ट्रासेप्टिव फ्री इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं उसके बावजूद अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इनफर्टाइल कहलाएंगे, या फिर इनेबिलिटी टू सेक्सुअली एक्टिव नॉन कॉन्ट्रासेप्टिंग कपल टू अचीव प्रेगनेंसी इन 1 ईयर, उसी चीज़ को दूसरी भाषा में कहा गया है। और मैंने कहा अगर 35 ईयर्स के अबाव है तो 12 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स आएगा। अब रिस्क क्या है इनफर्टिलिटी का, रिस्क फैक्टर्स, तो मेन के अंदर क्योंकि हमने कहा मेन वेमेन दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो मेन में लो स्पर्म काउंट या फिर नो स्पर्म। लो स्पर्म काउंट क्या होता है, अगर 10 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन से भी कम है, नॉर्मल काउंट होता है 20 मिलियन स्पर्म पर ml या उससे ज़्यादा, अगर 10 मिलियन से कम है तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है, और अगर स्पर्म बहुत कम 1 मिलियन से भी कम प्रेजेंट है, बहुत ही कम प्रेजेंट है, तो उसको अपन नो स्पर्म यानी एस्पर्मिया कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया एस्पर्मिया मेन के अंदर। या फिर स्पर्म काउंट कम तो नहीं है पर उनकी मोटिलिटी कम है स्पर्म्स की, स्पर्म्स इमोटाइल हैं, वो स्विम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको अपन एजेंथोजूस्पर्मिया कहते हैं। या फिर हो सकता है स्पर्म्स में एबनॉर्मेलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी के शेप उसकी अनयूजुअल है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं या एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से, टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से या टेस्टिकुलर सर्जरी की वजह से। तो ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको स्पर्म दिखाए गए, नॉर्मल स्पर्म, शुरुआत के 2 स्पर्म नॉर्मल हैं, उसके बाद कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, यानी मैक्रोसिफेली माइक्रोसिफेली, या फिर डबल हेड का स्पर्म है या डबल टेल का स्पर्म है या पिन लाइक स्पर्म है, और स्ट्रक्चर बिगड़ी हुई है, या फिर नेक पीस जो बॉडी पीस है वो बिगड़ा हुआ है, तो ये सब के सब मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा टेस्टिकल्स के में अगर ओवर हीटिंग हो जाए, इसलिए हमेशा टेस्टिस जो है वो
यही रीज़न टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं होती, एब्डोमेन के बाहर स्क्रॉटम के अंदर होती है, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेस्टिस जो है वो अगर ओवर हीटेड हो जाती है तो फिर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो कोई पर्सन अगर किसी की जॉब ऐसी है कि भाई वो बहुत गर्म एनवायरमेंट में अगर रहते हैं तो उनके अंदर ऐसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या इजैक्युलेशन डिसऑर्डर हो जाए। इजैक्युलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, रिट्रोग्रेड इजैक्युलेशन हो जाता है या वेरिकोस सील हो जाए कि स्क्रॉटम में वेरिकोस वेन हो जाए या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल, इसको क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। पैथोलॉजी के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, ये डिजीज़ है पैथोलॉजी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली डिजीज़ यही है क्रिप्टोर्किडिज्म, जिसमें टेस्टिस जो एब्डोमेन में रह जाती है डिसेंड नहीं हो पाती स्क्रॉटम के अंदर, या फिर हाइपोगोनैडिज्म हो जाए, गोनैड जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी आ जाती है, या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी आ जाए, या मम्स हो जाए, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके अंदर, टेस्टिस में सूजन आ जाएगी, या हाइपोस्पा डियासिस हो जाता है, या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है, मेन में मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। अब वुमेन में क्या प्रॉब्लम आती है, या तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर जाए, या फिर यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ओवेरियन डिसऑर्डर में हो सकता है ओवेरियन फॉलिकल प्रीमैच्योर रह जाएं, 40 की उम्र से पहले पहले मैच्योर हो ही नहीं पा रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल, या PCOD हो जाए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें क्या है कि ओवेरियन जो है फॉलिकल बन नहीं पाते हैं, सिस्ट के रूप में रह जाते हैं, ऊपर वाला फॉलिकल का नहीं, एक्चुअली ओवरी ही नहीं मैच्योर हो पा रही है, ओवेरियन फेलियोर है फर्स्ट पॉइंट, दूसरा है PCOD, तीसरा है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ऐसा होता है, या फिर एग की क्वालिटी सही नहीं है, पुअर क्वालिटी है। तो ये सब ओव्यूलेशन के डिसऑर्डर हैं। यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के अंदर या तो कोई सर्जिकल आपने कुछ रिमूव करवाया है, या कोई कुछ और चीज़ आप किसी ने ऐसी कुछ करवाई है, या फिर फाइब्रॉइड बन जाते हैं यूट्रस के अंदर, फाइब्रॉइड ट्यूमर होता है, ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी पैथोलॉजी के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक मैं आपको फाइब्रॉइड ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम में एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर प्रीवियस कोई स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट कुछ करवाया होगा, जिसकी वजह से कोई ड्रग्स वगैरह ऐसी ली हो, तब भी वो एबनॉर्मैलिटी कॉज कर देती है। ड्रग्स के अंदर अगर अपन पढ़ें, मेडिकेशंस की वजह से नैसिड्स होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो मैंने आपको फार्मा में पढ़ा दिया है ये टॉपिक, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, या फिर कीमोथेरेपी की वजह से ऐसा हो सकता है, रेडियोथेरेपी की वजह से ऐसा हो सकता है, इलीगल ड्रग्स अगर कोई ले रहे हैं तब भी वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, केमिकल से, रेडिएशन से, या इलीगल ड्रग्स वगैरह से। अब इनफर्टिलिटी कितने तरह की हो सकती है, दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है अगर फर्स्ट टाइम भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, एक बार भी कंसीव कोई नहीं कर पा रहा है कपल, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसकी कहलाती है। सेकेंडरी में फर्स्ट टाइम तो कंसीव हो गया पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पा रही है। और हमारे सोसाइटी के अंदर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम इनफर्टिलिटी मानते ही नहीं हैं, जबकि ये भी एक तरह की इनफर्टिलिटी है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कोई भी वुमेन एक बार भी चाइल्ड बियर करने में अनेबल है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कि वुमेन एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है पर उसमें लाइव बर्थ नहीं हो पा रही है, पहले से एक लाइव बर्थ के बाद सेकेंड नहीं हो पा रही, एक तो प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल हुई थी, लाइव बर्थ हुई, सब कुछ हुआ, पर सेकेंड टाइम नहीं हो पा रही, या तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, या फिर प्रेग्नेंट हो गई पर लाइव बर्थ नहीं हो पा रही, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब इनफर्टिलिटी को आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो यह हमने पढ़ा था, लैप्रोस्कोपी होता है। देखिए ये लैप्रोस्कोप दिखाया गया डायग्राम के अंदर, एब्डोमेन में गैस फिल्ड एरिया आप क्रिएट करते हो, फिर ये यूट्रस के अंदर, ब्लैडर के अंदर ये देख रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप USG अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अब इनफर्टिलिटी काउंसलिंग, इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग के अंदर अपन साइको सोशल इम्पैक्ट जो है इनफर्टिलिटी के, वो समझाते हैं, जैसे उसके इंटरवेंशन के बारे में बताएंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट,
ट्रीटमेंट जो भी लिया उसने वो सक्सेसफुल हुआ हो या अनसक्सेसफुल हुआ हो तो उसके बाद क्या करना है वो सब काउंसलिंग में बताया जाता है। इसमें थेरेपेटिक वर्क किया जाता है जो कि पेशेंट को कोप अप करने में हेल्पफुल होता है कि इनफर्टिलिटी और उसके ट्रीटमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो सब भी आप इसमें कपल्स को समझाते हैं। अब इनफर्टिलिटी काउंसलिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी और उसके क्या उद्देश्य हैं, तो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट भाई पर्सन को बताते हैं, फिर उसके कंसेंट देख रहे होते हैं, हम उसको कोपिंग स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आप कैसे अगर कभी फर्टाइल नहीं हो पाए तो आपको आप कैसे उस सिचुएशन के साथ रहेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे। डिसीजन मेकिंग में आप उनकी सहायता कर रहे होते हैं कि आप उनको सब चीज़ें समझा कर कहें कि अब आप अपना डिसीजन देखिए, और ये भी नहीं कि हम पूरी तरह से उनको छोड़ दें, हम हेल्प करें, बार बार उनको बताते रहें कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोसीजर आप उसके डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए काम में लेने वाले हैं उसकी पहले से प्रिपरेशन उनको ऑफर करिए, उनको अच्छी क्वालिटी की लाइफ अचीव करने में हेल्प करिए, और जेनेटिक काउंसलिंग उनकी की जाती है। अब काउंसलिंग सर्विसेज में क्या क्या होता है, IVF ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं स्टाफ के साथ मिलकर के, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, कौन डोनर आपको मिल सकते हैं, कौन रिसिपिएंट मिल सकते हैं, सैरोगेसी वगैरह उसके बारे में समझा रहे होते हैं। थेरापेटिक काउंसलिंग, कोई थेरेपी अगर उनको देनी है तो उसकी काउंसलिंग भी आप करेंगे, किसी तरह की क्राइसिस उनके जीवन में आ रहा है या इनफर्टिलिटी की वजह से आने वाला है, अगर ये IVF वगैरह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो आ जाएगा उसके बारे में बताएंगे, असेसमेंट और फॉलो अप करेंगे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी, ये दो ही ऑप्शन होते हैं बेचारों के पास। अब इनफर्टिलिटी काउंसलिंग के क्या फ़ायदे लोगों को मिलते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस के साथ में वो डील कर सकते हैं, फ़ायदा मिलता है लोगों को कि भाई इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उनके साथ में वो बात करने वाले लोग होते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको मिल जाता है। अलाउ द क्लाइंट इन एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल ऑप्शंस फॉर फैमिली, उनकी फैमिली में और जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना बता रहे होते हैं, कैसे कपल्स जो हैं वो डायलेमास और को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि राइट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या है। फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में उनको पता चलता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे को लेना है, तो ये सारे फ़ायदे उनको मिल रहे होते हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए फर्टिलिटी का सबसे सही रहेगा, या फिर वो कैसे उन दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। ये सब उनको काफ़ी आराम मिलता है इनफर्टिलिटी काउंसलिंग से। अब नर्स का क्या रोल हो सकता है सन इनफर्टिलिटी काउंसलिंग के अंदर भाई, तो देखिए पेशेंट और फैमिली को रिसीव करना, उनको उस काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग के लिए उनको एक्सेसिबल बनाना, उनको कंफर्टेबल करना कि भाई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ये आपका काम होता है उनको समझाना। फर्टिलिटी नर्स स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल और कपल्स को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में भी जो है वो केयर प्रदान करते हैं। नर्स जो है उनको उन पर्सन की, कपल्स की प्रीनेटल हिस्ट्री लेनी होती है, फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है, दूसरे रिलेवेंट हिस्ट्री उनको लेनी होती है कि भाई उनके और कुछ प्रॉब्लम कभी रही थी क्या, ऐसी सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी है। उनको फिज़िकल एग्जामिनेशन, जो प्राइमरी फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है वो परफॉर्म करना होता है, जितनी भी पेशेंट की रिपोर्ट से रिगार्डिंग जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सब कलेक्ट करनी होती है। उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है काउंसलिंग के द्वारा, उनके जो भी टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, फिर प्लान ऑफ केयर बनाना है फैमिली के साथ, और उसको कोऑर्डिनेट करना है केयर को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ में। सबसे बड़ी चीज़ भी केसेस की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की जानकारी हासिल करी और फिर आपने उसको सार्वजनिक कर दिया, ऐसी चीज़ें हमें कभी नहीं करनी है, हमारी फील्ड के अंदर ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है, तो हमें उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि हम लोगों को कहते रह रहे हैं अरे देखो इसका तो सीमेन काउंट ही बहुत कम आ रहा है, ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी होती है किसी के सामने। इसके अलावा इंसेमिनेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो आप करेंगे, किसी से करवाना है, किसी लेना है, डोनर रिसिपिएंट सबका आप ख्याल रखेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म
भी आपको करवाना हो तो ट्रांसफ़र करवाते हैं आप, फॉलो अप आपने ले लिया है, जो भी सपोर्ट सर्विसेज है उन सबको आप एंश्योर करते हैं कि उस इंडिविजुअल को, उसको फैमिली को काउंसलिंग के दौरान क्या फॉलो अप या क्या सपोर्टिव सर्विसेज प्रदान करनी है। बस इसके साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये आपके इनफर्टिलिटी जेनेटिक्स के अंदर, और हो सकता है पैथोलॉजी वगैरह किसी ना किसी में पूछ लें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके रख लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो इजी टॉपिक है, एआरटी मैंने इसमें आपको बताया नहीं है क्योंकि एआरटी यहाँ पर काम का नहीं है जेनेटिक्स के अंदर, या अपन ऑप्स वगैरह के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ हमारे को ज़रूरत नहीं होती। तो आज के लिए तक काफ़ी है, थैंक यू।